ऑटोकैड सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में स्केल टेक्स्ट कमांड किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, ये अगर आपको कमांड इस्तेमाल करना है तो आपको स्केल टेक्स्ट ये लिख के इंटर करके आपको इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें तीन ऑप्शन है, पहला है पेपर हाइट, दूसरा है मैच ऑब्जेक्ट, तीसरा है स्केल फैक्टर। तो दोस्तों देखिए, मैंने तीन टेक्स अलग अलग ऐसे दूर दूर रखे हुए। तो सबसे पहले मैं उसको सिलेक्ट करके उसका प्रॉपर्टी आपको बता दूं। तो देखिए, उसका टेक्स हाइट है 2 mm। तो सबसे पहले हम कमांड लेंगे, कमांड में देखेंगे कि पेपर हाइट किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए मैं कमांड लूँगा स्केल टेक्स और इंटर करूँगा। उसके बाद वो पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये जो पहला वाला है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ, और फिर से और एक बार इंटर करता हूँ। उसके बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं, पेपर हाइट, मैच ऑब्जेक्ट, स्केल फैक्टर। तो पहला वाला ऑप्शन मैं आपको इस्तेमाल करके बताता हूँ, पेपर हाइट। तो उसके लिए मैं एच इंटर करता हूँ। उसके बाद वो पूछता है कि आपका न्यू हाइट कितना चाहिए आपको, तो उसका मैं न्यू हाइट देता हूँ 4 इंटर करता हूँ। न्यू हाइट मुझे 4 mm चाहिए, तो इंटर करता हूँ। देखिए, तो 4 mm देने के बाद उसका हाइट 4 mm से उसने एडजस्ट कर लिया। तो मैं उसका आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। तो देखिए, उसका हाइट है 4 mm। तो दोस्तों देखते हैं कि अभी मैच ऑब्जेक्ट किस तरह से यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं कमांड लूँगा स्केल टेक्स। उसके बाद वो पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ, और फिर से और एक बार इंटर करता हूँ। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन लेता हूँ मैं, मैच ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए मैं एम इंटर करता हूँ। उसके बाद वो पूछता है कि कौन से टेक्स से उसका हाइट आपको मैच करना है। तो ये बाजू वाला टेक्स है, उससे उसका हाइट मुझे इस टेक्स से मैच करना है, तो उसको मैं क्लिक करूँगा। तो देखिए, उसको क्लिक करते ही उसके हिसाब से उसका हाइट इसने एडजस्ट कर दिया। तो इसका मैं आपको हाइट बता देता हूँ। तो देखिए, इसका हाइट है 4 mm और इसका हाइट भी है 4 mm। ये देखिए इस तरह से। तो उसके बाद देखते हैं कि स्केल फैक्टर किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए मैं कमांड लूँगा स्केल टेक्स। उसके बाद वो पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ, और फिर से और एक बार इंटर करता हूँ। और तीसरा ऑप्शन लेता हूँ स्केल फैक्टर, तो उसके लिए मैं एस इंटर करता हूँ। उसके बाद वो पूछता है कि आपको स्केल फैक्टर कितना चाहिए, तो मैं स्केल फैक्टर 3 देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो देखिए, उसका टेक्स उसने स्केल फैक्टर से बड़ा कर दिया। तो उसका मैं हाइट आपको बता देता हूँ। तो देखिए, उसका हाइट पहले 2 mm था, तो अभी 6 mm हो गया, क्योंकि मैंने स्केल फैक्टर 3 दिया था। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप इस तीन ऑप्शन का इस्तेमाल करके इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह आप हमारे आगे की वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।